रेनवाल इलाके में कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित एक फाइनेंस मिनी बैंक में शुक्रवार सुबह हथियारबंद तीन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक में मौजूद महिला सफाई कर्मचारी और दो महिलाओं को बंधक बनाकर 15,000 रुपए व तीन मोबाइल लूट कर ले गए। बैंक को बाहर से गुंडी लगाकर बदमाश फरार हो गए। आधे घंटे बाद बैंक मैनेजर पहुंचने पर बंधक बने कर्मचारियों को मुक्त कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने के साथ लुटेरों की तलाश कर रही है। सीओ सांबरलेक कीर्ति सिंह ने बताया कि मुख्य बाजार में एक मकान में भारत फाइनेंस मिनी बैंक चलती है। बैंक में महिलाओं को ग्रुप लोन दिया जाता है। सुबह करीब 7:30 बजे तीन बदमाश मिनी बैंक में पैसा जमा कराने के बहाने महिला सफाई कर्मचारी से गेट खुलवाकर अंदर घुस गए। अंदर घुसे ही बदमाशों ने गेट को कुंडी से बंद कर दिया। बंदूक के दम पर बैंक में मौजूद दो कर्मचारियों रामस्वरूप यादव व महावीर गुर्जर और महिला सफाई कर्मचारी सरोज देवी को दुपट्टे से बांध दिया। बंधक बनाने के बाद बदमाश बैंक से 15,000 रुपए, तीन मोबाइल, एक एटीएम कार्ड और दो टैबलेट लूटकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाश बैंक को गेट से बाहर कुंडी लगा गए। वारदात के करीब आधे घंटे बाद बैंक मैनेजर आए। बैंक के गेट के बाहर लगी कुंडी खोलकर अंदर देखा तो दंग रह गए। बैंक के दो कर्मचारी और महिला सफाई कर्मचारी बंधे मिले, जिन्होंने बंधक से मुक्त कराकर जानकारी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साक्षी जुटाए। मैनेजर ने पुलिस को बताया कि बैंक के लॉकर में करीब 5,00,000 रुपए रखे थे। बदमाशों की निगाह नहीं पड़ी, लूटने से बच गए। ऐसे बोले थे आंटी गेट खोलो, हम पैसे जमा कराने आए है ना। तो मैंने गेट खोला, वो कड़ी बंद कर ली है, तीनों अंदर बढ़ गए है ना। तीनों बढ़ गए तो मेरे हाथ में से पोछा खोस के रख दिया उन्होंने, और मेरे को पकड़ के और उधर से अंदर ले गए। तीनों को ले गए उसके साथ ही। अच्छा, दोनों तो सर को और साथ में मेरे को। उनके हाथ में कुछ हथियार वगैरह भी थे क्या? हाँ, वो थी रिवॉल्वर। रिवॉल्वर तीनों के हाथ में थी। और कपड़े के कैसे कलर के पहन रखे थे? अब कपड़े को तो मेरे को ये सब ज्यादा ध्यान नहीं है, ऐसे कपड़े तो सर्दी के ऐसे ही पहन।